हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ ईवीएस नेमिंग माय फैमिली। इन फॉर्मर वीडियो आई रिमार्क दैट वी हैव अ नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द फंक्शन ऑफ ऑल दिस बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट। Our sense organs are 5 and these all sense organs are adapted for different works. So, in former chapter, we have studied about all our body parts. Now, in this chapter, we are going to learn about our family, that is, our family is composed of a number of members, and all these members are known by different names, different relationships. यानि हमारे परिवार में कई लोग रहते हैं और इन लोगों से जो है हमारे अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं और उन्हें हम अलग अलग नेम से बुलाते हैं, जैसे फादर, मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, ब्रदर। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को अच्छे से जानेंगे कि हमारी फैमिली में जो लोग होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड जो बिग एंड शॉर्ट फैमिलीज होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अपनी फैमिली को किस तरह से हैप्पी रख सकते हैं, इसे किस तरह से हम सुनियोजित ढंग से अपने परिवार में रह सकते हैं, किसी को हम कैसे संबोधित कर सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर नेमिंग माय फैमिली। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन टुगेदर मेक अ फैमिली, यानी माता पिता और उनके बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। माता पिता और उनके बच्चों को एक साथ मिलाकर ही एक फैमिली बनती है। सम फैमिलीज आर स्मॉल, सम आर बिग, वाइल सम आर जॉइंट। कुछ फैमिलीज स्मॉल होती है, यानी कुछ परिवार छोटे होते हैं। सम आर बिग, कुछ फैमिलीज जो हैं बड़ी होती हैं, जबकि कुछ फैमिलीज जो है जॉइंट फैमिली होती है। स्मॉल फैमिली मीन्स छोटा परिवार, बिग फैमिली मीन्स बड़ा परिवार, और जॉइंट फैमिली मीन्स होता है संयुक्त परिवार। तो जो फैमिलीज होती हैं वो पेरेंट्स और उनके बच्चों को, उनके चिल्ड्रन मिला बनती हैं, और ये फैमिली जो है स्मॉल हो सकती हैं, बिग हो सकती हैं, और वेदर इट में भी जॉइंट। यहाँ पर देखिए, डू यू नो में हम पढ़ते हैं, The members of a family have a common name that is called surname. यानी हमारे फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, इन सब लोगों के नेम में एक चीज कॉमन होता है और उसी नेम को हम सरनेम कहते हैं। जैसे अगर आप अपने नाम के आगे सिंह लिखते हैं तो आपके पिता भी अपने नेम के आगे सरनेम सिंह ही लगाते होंगे। आपके भाई जो हैं, आपकी बहन जो हैं, आपकी बुआ, आपके नाना, नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, जितने भी लोग हैं उन सब के नेम के आगे आप देखते होंगे कि अगर आप सिंह लिखते हैं तो उन सब लोगों के नेम के आगे भी सिंह ही लगा होता है। अगर आप वर्मा लिखते हैं तो उन लोगों के नेम के आगे वर्मा लगा होता है। तो इस तरह से जो सरनेम होता है वो फैमिली के हर एक मेंबर के लिए सेम ही होता है। That is, the surname is common for all the family members of a family. I am Ajay. मैं अजय हूँ। I live with my parents and sister. मैं अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहता हूँ। There are only 4 members in my family. मेरे परिवार में केवल 4 मेंबर यानी 4 सदस्य हैं।
माई फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, मेरा परिवार एक छोटा परिवार है। ये अजय यहाँ पर जो है ये अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और इनकी केवल एक ही बहन है, तो इस प्रकार से इनकी फैमिली में केवल 4 मेंबर्स ही रहते हैं एंड दैट इज वाई अजय की फैमिली जो है वो एक स्मॉल फैमिली है। आई एम सुधीर, मैं सुधीर हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अपने माता पिता भाइयों और अपनी बहन के साथ रहता हूँ। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 लोग 6 मेंबर्स हैं। माई फैमिली इज अ बिग फैमिली, मेरा परिवार एक बड़ा परिवार है। दैट इज ये जो सुधीर हैं, सुधीर अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों और अपनी बहन के साथ रहते हैं, तो इस प्रकार से इनके परिवार में इनकी फैमिली में कुल 6 लोग 6 मेंबर्स रहते हैं और इस तरह जो इनकी फैमिली है वो बड़ी फैमिली है, बिग फैमिली है, क्योंकि इनमें जो है फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं। आई एम तान्या, मैं तान्या हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड कजिन, मैं अपने माता पिता अपने दादा दादी अपने अंकल आंटी मीन्स अपने चाचा चाची और अपने कजिन्स यानी चचेरे भाई बहनों के साथ रहती हूँ। माई फैमिली इज अ ज्वाइंट फैमिली, और मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार एक ज्वाइंट फैमिली है। ये देखिए यहाँ पे तान्या है, तान्या जो है अपने माता पिता के साथ अपने अंकल आंटी के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अपने कजिन्स के साथ रहती हैं। दैट मीन इनकी फैमिली में जो है कई मेंबर्स हैं एंड दैट इज वाई इनकी फैमिली जो है वो एक ज्वाइंट फैमिली है। इवैल्यूएट योरसेल्फ, हियर वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें आपको प्रॉपरली फिल करना है। जैसा कि ऊपर के पैराग्राफ में आपको बताया गया, अजय लिव्स इन अ फैमिली मीन्स अजय फैमिली में रहते हैं। अजय कैसी फैमिली में रहते हैं ऊपर हम पढ़े थे, अजय लिव्स इन शॉर्ट फैमिली यानी अजय शॉर्ट फैमिली में रहते हैं स्मॉल फैमिली में, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे स्मॉल। तान्या लिव्स इन अ फैमिली यानी तान्या फैमिली में रहती हैं, कैसी फैमिली में रहती हैं वो बिग फैमिली है स्मॉल फैमिली है ज्वाइंट फैमिली है, ऊपर आपको पढ़ाया गया उसमें से आप देख के समझ के उसे यहाँ पे फिल करेंगे। सुधीर लिव्स इन अ फैमिली, सुधीर किस फैमिली में रहते हैं, बिग फैमिली में या ज्वाइंट फैमिली में या स्मॉल फैमिली में, उसे आपको यहाँ फिल करना है। सो यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम पढ़े एक बार उसे हम फिर से रिवाइज कर दें। हम इस चैप्टर में माई फैमिली में अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अपनी फैमिली के बारे में पढ़े कि हमारी जो फैमिली होती है हमारी फैमिली में कम मेंबर हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं या बहुत सारे